सो आईफोन से कौन कौन वीडियोग्राफी करता है मुझे बताना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आईफोन से हम कैसे सिनेमैटिक वीडियोस को शूट कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर कैमरा सेटिंग्स होती हैं आईफोन को यूज़ करते वक्त जो हमें यूज़ करनी चाहिए, और कौन सा फ्रेम रेट रखना, क्या सिनेमैटिक कैमरा सेटिंग्स होती है जिसकी वजह से एक प्रॉपर सिनेमैटिक लुक आता है हमारी वीडियोस के अंदर, कौन सा लेंस और किस सेटिंग्स का आपने यूज़ करना है जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर स्लो मोशन देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा आपका लुक आएगा बिल्कुल सिनेमैटिक स्टाइल में। बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को, सुबह टाइम वेस्ट किए चल वीडियो स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे कैमरा सेटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर, जौन सा आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, और सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च करना है कैमरा। आपको यहाँ पे कैमरा के अंदर जाना है, जौन सा आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे जाके आपको इसकी सारी की सारी सेटिंग्स मतलब कि आपको शो हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको वही सेटिंग्स बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और जो आप मोस्टली सबके साथ मतलब कि कंपैटिबल होती हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ किसी भी ऐप के साथ वीडियो एडिटिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट्स में जाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा फॉर्मेट। तो हाई एफिशिएंसी वाली सेटिंग्स को आपको तभी यूज़ करना है जब आपके पास मैकबुक प्रो है या बहुत ही हाईफाई कंप्यूटर है या आपके पास जो वीडियो एडिटिंग ऐप है वो बहुत ही कमाल की है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी की सारी वीडियो एडिटिंग ऐप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर इजीली अपने आईफोन की वीडियो को एडिट कर पाओ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, मोस्ट कंपैटिबल सेलेक्ट करना है। अब मैं मोस्टली यही सेलेक्ट करके रखता हूँ मोस्ट कंपैटिबल। अब जैसा कि ये H.264 पे मतलब हमारी वीडियो शूट होती है, तो ये सारे के सारे वीडियो एडिटिंग ऐप के अंदर सॉफ्टवेयर्स के अंदर कंपैटिबल होता है, ठीक है। अगर आप विंडोज़ कंप्यूटर में भी एडिटिंग करते हो तो भी आपकी ये वीडियो फॉर्मेट चल जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है मोस्ट कंपैटिबल और यहाँ से आना है बाहर, ओके। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है स्लो मोशन के लिए, ठीक है। तो स्लो मोशन मैं हमेशा सेलेक्ट करता हूँ 1080p 120fps। तो यहाँ से मैं बाहर आता हूँ, तो सबसे पहले बाहर आके आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है रिकॉर्ड स्टीरियो साउंड, तो इसको आपको अनेबल करके रखना है जिसकी वजह से आपकी जो माइक की क्वालिटी आएगी वो अच्छे से आएगी। और अगर आप माइक यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इनबिल्ट माइक भी आईफोन का यूज़ करके कमाल की वीडियो को शूट कर सकते हो अगर आप व्लॉग वगैरह कर रहे हो। उसके बाद आपने नीचे जाना है, ठीक है। नीचे जाके सबसे मेन है कि हमारी वीडियो की कंपोजिशन, हमारी वीडियो की फ्रेमिंग, तो उसके लिए आपने ग्रिड को ऑन करके रखना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें अच्छा फ्रेम मिल जाता है, कि हमें कहाँ पे अच्छा फ्रेम मिल रहा है वहीं पे हम वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जौन से भी मैंने सेटिंग्स को ऑन किया हुआ है, जौन से आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो आपको मैच कर लेना है कि आपके आईफोन के अंदर ये सेम सेटिंग्स ऑन हो, ठीक है। सीन डिटेक्शन हो गया हमारा, लेंस करेक्शन हो गया, स्मार्ट HDR हो गया। अब मैं जाता हूँ ऊपर, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट के ऊपर, वो हमारा रिकॉर्ड वीडियो। तो अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज़ नहीं होना है, बहुत सारे बंदे कंफ्यूज़ हो जाते हैं कि यार मैं 4K 60fps पे वीडियो को शूट करूँगा तभी अच्छी वीडियो आएगी। हाँ, वो अच्छी बात है कि आप हाई रेजोल्यूशन पे शूट करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर उसके लिए अगर आप 4K 60fps पे हाई एफिशिएंसी पे करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग ऐप है, वो अच्छे से सपोर्ट कर पाए इस फॉर्मेट को। सो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा रेजोल्यूशन मिल जाए और आपको अच्छा स्लो मोशन भी मिल जाए कि आप आराम से वीडियो एडिटिंग के अंदर स्लो मोशन क्रिएट कर पाओ, तो मोस्टली मैं जो यूज़ करता हूँ वो है 1080p 60fps, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप कोई फिल्म शूट कर रहे हैं या डायलॉग शूट कर रहे हैं जिसमें कोई डायलॉग आप बोल रहे हैं या बिल्कुल नेचुरल दिखाना चाहते हैं जैसे कि फिल्मों में होता है, तो यहाँ पे आपने शूट करना है 4K 24fps, क्योंकि जौन सी भी फिल्में होती हैं वो 24fps पे शूट होती हैं। तो अगर आप नॉर्मल सा व्लॉग बना रहे हो, अगर आप स्लो मोशन नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो 1080p 30fps, इसमें भी क्वालिटी अच्छी आती है और आप 4K 30fps पे भी शूट कर सकते हो। 4K और 1080p में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वीडियो क्लैरिटी में, 4K में थोड़ा सा आपको ज़्यादा बूम मतलब कि बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, सिनेमैटिक वीडियो बनानी है, तो सिनेमैटिक वीडियो के लिए मुझे स्लो मोशन भी करना पड़ेगा, फास्ट मोशन भी। उसके लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 1080p 60fps। अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ और मेरा सारा का सारा काम हो चुका है, और अब मैं बाहर आता हूँ, कैमरा में जाता हूँ। सो मैं कैमरा के अंदर आ चुका हूँ, अब मैं जाता हूँ वीडियो मोड के अंदर, और वीडियो मोड के अंदर आके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है। सो सामने मेरे पास एक फ्लावर है। अब सबसे पहले क्या होता है कि फोकसिंग करने में हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि एज अ बिगनर हमें पता नहीं होता है कि कैसे फोकस करें और कैसे एक्सपोजर को सेट करें। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लाइटिंग ना चेंज हो रही है, कभी बारिश वाला मौसम हो रहा है, कभी सनलाइट आ रही है, और अगर मैं अपना फोकस भी सेट नहीं करूँगा और लाइटिंग कंडीशन को मतलब कि एक्सपोजर वैल्यू को सेट नहीं करूँगा तो क्या होगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो अब यहाँ भी आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। आपने लेफ्ट साइड पर आना है और यहाँ पे आप अपना फ्रेम रेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक एरो मिल जाता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपने एक्सपोजर वैल्यू क्या सेट करनी है। यहाँ पे आपको एक्सपोजर वाला ऑप्शन आ जाएगा जिसकी वजह से आप एक्सपोजर वैल्यू को सेट कर पाओगे। सब आप देख रहे हो कि मेरी यहाँ पे ग्रीन लाइन जोन है। अगर मुझे यहाँ पे फोकस करना है मतलब कि मुझे अपना मेन सब्जेक्ट यही दिखाना है,
तो मैं इसको सेंटर में रखूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर मुझे क्या करना है कि अपनी लोकेशन भी दिखानी है और अपना सब्जेक्ट भी दिखाना है, तो इसको मैं साइड में रखूँगा कुछ इस तरीके से। अपनी लाइंस को यूज़ करके ही मैं फ्रेम बनाऊँगा, ये सबसे बड़ा रूल होता है, तभी आपकी फ्रेमिंग अच्छी नहीं आती कि आप रूल ऑफ थर्ड्स को ग्रिड लाइंस को ऑन किए बिना ही मतलब कि वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब जैसे कि मुझे इसका फुटेज निकालना है, तो फुटेज निकालने के लिए सबसे पहले मैं फोकस सेट करूँगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आके सबसे पहले मैं स्क्रीन के सेंटर में टैप करूँगा लगातार, और यहाँ पे आपको लगातार टैप करना है, आपका आ जाएगा AEAF लॉक, मतलब कि ऑटो एक्सपोजर ऑटो फोकस लॉक हो चुका है। अब आप जितना मर्जी इसको हिला लो, पीछे चले जाओ, आपका फोकस और एक्सपोजर नहीं हिलेगा। अगर मैं यहाँ से एक सैंपल लेता हूँ, तो अभी मेरी वीडियो बन रही है, तो अब जितना मर्जी मतलब कि ये हवा के साथ हिल जाए फ्लावर, और लाइटिंग कंडीशन मेरी चेंज हो जाए, और अगर मैं पीछे भी आता हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे जाता हूँ, देखो मैं बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा हूँ, तो आपको ब्लर दिख रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, बिल्कुल उस पोजिशन पर जाता हूँ जहाँ पर मेरा फ्लावर था, तो ये देखिए फिर से मेरा वो फोकस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपने फ्रेमिंग करनी है और फोकस करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने लेंस कौन सा यूज़ करना है आईफोन के अंदर वीडियो को शूट करते टाइम। अब जैसा कि मुझे यहाँ पे फोकस करना है, और यहाँ पे मैं वाइड एंगल लेंस को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेप्थ चाहिए, और मतलब पूरा का पूरा फोकस और टेक्स्चर मुझे इसी फ्लावर का चाहिए। तो सबसे पहले मैं आऊँगा अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो अब आपने जो फ्रेम रेट रखना है वो 60 FPS रखना है, और मैं यहाँ पे फुल HD का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊँगा बिल्कुल सेंटर में, और हल्का सा टैप करूँगा, ठीक है। जैसे मैं टैप कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने फोकस कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा मेरा फ्रेम बन चुका है सेंटर में, तो यहाँ पे मैं लगातार टैप करूँगा कुछ इस तरीके से, और मेरा फोकस और एक्सपोजर लॉक हो जाएगा। और सिंपली मैं कुछ इस तरीके से मूवमेंट करूँगा, हल्का सा ऐसे मूवमेंट करूँगा कि मेरा वीडियो अच्छा लगे, बिल्कुल स्टिल ना लगे। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप 60 FPS पर वीडियो को शूट कर रहे हो, तो उसको आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा। कोई भी ऐप आप VN ऐप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ, या फिर आप प्रीमियर प्रो का यूज़ कर सकते हो जो लैपटॉप में मैं यूज़ करता हूँ। दोनों ही चीज़ों का मैं यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर मैं VN ऐप का यूज़ करता हूँ। VN ऐप के अंदर बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। सो वहाँ पे मुझे अच्छा फोकस चाहिए था फ्लावर के ऊपर, मतलब कि मुझे अच्छी डेप्थ मिले, बैकग्राउंड ब्लर मुझे अच्छा मिले, तो वहाँ पे मैंने नॉर्मल लेंस का यूज़ किया। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रीज़ काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, इनका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा है, तो मुझे इन सारी चीज़ों को कवर करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ वीडियो के अंदर, तो वीडियो के अंदर जाके सबसे पहले जौन सा आपको यहाँ पे 1x दिख रहा है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। सो जहाँ पे आपको लगता है कि आपने प्रॉपरली फोकस करना है, उसी चीज़ को हाईलाइट करना है, वहाँ पे आप नॉर्मल लेंस का यूज़ करो, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको पूरी पूरी लोकेशन दिखानी है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, व्यू है, वहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को यूज़ करो। अब मैं सारे के सारे सैंपल्स को शूट करता हूँ, और एंड में आपको काफ़ी कमाल की वीडियो देखने को मिलने वाली है। सो वीडियो को एंजॉय करो। तो ये थी हमारी आज की कमाल की वीडियो कि कैसे आपने आईफोन को यूज़ करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा ऐसे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।